नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटरनेट चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, आजकल हर जगह तेज गर्मी की बड़ी चर्चा है। टेम्परेचर 48-49 नहीं अप टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अभी टेम्परेचर हमारे घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर भी चाहे फिर हमारा बेडरूम ही क्यों ना हो, हमें असहनीय गर्मी सहन करनी पड़ रही है। एसी, कूलर, पंखे सभी गर्म हवा फेंकते प्रतीत हो रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी गर्मी का कारण क्या है और आगे भी इस तरह की गर्मी को सहन करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? जैसे कि हम इंटीरियर हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इंटीरियर प्लानिंग इस तरह से की जाए ताकि बेडरूम को थोड़ा सा हम कूल बना सकें, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं। इंटीरियर प्लानिंग करते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए ताकि हमारे बेडरूम का और हमारे घर का टेम्परेचर थोड़ा कम बनाया जा सके। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। बेडरूम में सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर होता है डबल बेड। दोस्तों, पुराने जमाने में डबल बेड की जगह पलंग काम में लिए जाते थे और जो बेड भी होते थे वो स्टोरेज वाले ना होकर नीचे से ओपन रहते थे। ओपन रहने से होता क्या दोस्तों, जो एयर का सर्कुलेशन है वो पलंग के चारों तरफ और पलंग के नीचे भी बना रहता था। इस कारण टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो रहता था। आजकल होता क्या है, पलंग बनते हैं पूरे बॉक्स वाले, अप टू फ्लोर तक पलंग बनते हैं, चारों तरफ से पलंग पैक रहता है। पलंग के नीचे एयर पास होने के लिए कोई भी जगह नहीं रहती है, इसलिए टेम्परेचर एक्यूमुलेट हो जाता है, हीट एक्यूमुलेट हो जाती है और कंपेरेटिवली टेम्परेचर ओवरऑल एरिया का बढ़ जाता है क्योंकि एयर सर्कुलेशन के लिए कोई भी जगह बचती नहीं है। दूसरा क्या कारण है दोस्तों, पहले के जो पलंग या खाट काम में लिए जाते थे उनकी टोटल हाइट लगभग 18-20 इंची ही रहती थी, इसमें गद्दा भी आ जाता था। अगर आज की हाइट बात की जाए तो लगभग 25 इंच, 26 इंच और अप टू 30 इंच टोटल हाइट के भी पलंग बनाए जाने लगे हैं। नो डाउट आज के पलंग में बैठने में हमें सुविधा ज़्यादा है, आसानी से हम उसमें बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं, बट ज़्यादा हाइट होने के कारण हमें चारों तरफ गर्म हवा ही महसूस होती है क्योंकि साइंस के नियम के अनुसार गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। हाइट ज़्यादा होने के कारण ठंडी हवा नीचे रह जाती है और 25-26 इंच के पलंग के चारों तरफ हमें गर्म हवा कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलती है। अब मॉडर्न इंटीरियर में पलंग की इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए लो हाइट प्रोफाइल स्लेट वाले बेड काफ़ी ज़्यादा चलन में हैं। इनमें होता क्या है, एक तो हाइट इनकी कंपेरेटिवली कम रहती है, लगभग 12 इंची, 16 इंची या मैक्सिमम से मैक्सिमम गद्दे सहित 20 इंची हाइट इनकी बनाई जाती है। नीचे से ये खाली रखा जाता है, इसके अंदर स्टोरेज नहीं दिया जाता है और स्लेट स्ट्रक्चर, वुडन स्लेट इसके अंदर डाली जाती है। इससे होगा क्या कि एयर सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, लुक भी हमारा मॉडर्न रहेगा और हमें कंपेरेटिवली हीट कम लगेगी, टेम्परेचर हमें कम महसूस हो। आजकल मैट्रेस भी काफ़ी थिक काम में लेने लगे हैं, 5 इंची से लेके 8 इंची, 10 इंची हाइट तक की मैट्रेस काम में ली जाने लगी है। इसमें एयर सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है, इस कारण हमें गर्मी महसूस होती है। इसका तरीका क्या है, हम कॉटन वाली या फिर नेचुरल फाइबर वाली पतली जो हमारे गद्दे हैं जैसे कि हम पहले काम में लेते थे, अगर वो काम में लेंगे तो हमें हीट कम महसूस होगी। आजकल वाटर बैग्स, वाटर मैट्रेस और वाटर पिलोज भी काम में आने लगे हैं जो कि गर्मियों की ऋतु में हम काम में ले सकते हैं। डबल बेड के बारे में तो हमने कई सारे पॉइंट्स समझ लिए। बेडरूम के अन्य फर्नीचर को भी प्लान करते समय मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिजाइनिंग अप्रोच काम में लेनी चाहिए। इसका एक पूरा वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी आप देख के उसके बारे में समझ सकते हैं। इस अप्रोच में होता क्या है दोस्तों, जितना ज़रूरत हो उतना ही फर्नीचर बनाया जाता है, ओवरसाइज्ड फर्नीचर नहीं बनाया जाता है, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा फर्नीचर होने से होगा क्या दोस्तों, एक तो हीट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, फर्नीचर हीट ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा ताकि टेम्परेचर उसका रूम का बढ़ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कई तरह के पेंट, लेमिनेट और अन्य तरह के मैनमेड मटेरियल काम में लेने पड़ते हैं जो कि कई तरह की जो गैसेज है वो रिलीज करते हैं, उस कारण भी हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मिनिमम फर्नीचर कराएं ताकि आपका रूम कूल रहे। फर्नीचर ओवरसाइज्ड नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ कोशिश करें फ्लोर तक टच नहीं हो। जैसे कि हमारा सोफ़ा है, ड्रेसिंग है, बेडसाइड टेबल है, अगर
फ्लोर हाइट तक टच नहीं रहेगी, तो नीचे उनके एयर सर्कुलेशन का हमें स्पेस मिल जाएगा और ओवरऑल हमारा रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कम रहेगा। साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कलर हम फर्नीचर का काम में ले रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर हीट एब्जॉर्ब करता है। हमें लाइट कलर के फर्नीचर काम में लेने चाहिए ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करें और आपके रूम के टेम्परेचर को कम कर सकें। फर्नीचर लेआउट प्लान करते समय भी बेडरूम में ध्यान में रखना चाहिए कि फर्नीचर किसी भी एयर सोर्सेज का, जैसे कि हमारी विंडो हो गई, रोशनदान हो गए, उसको ब्लॉक ना करें। उसके सामने अगर फर्नीचर आ जाएगा तो फ्री एयर सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा और हमें रूम का टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होगा। अब बात करते हैं हम विंडो ट्रीटमेंट की। दोस्तों, पहले के ज़माने में विंडो ओवरसाइज्ड नहीं होती थी, लिमिटेड साइज़ की विंडो बनाई जाती थी और उनकी पोजीशन भी इस अकॉर्डिंग रखी जाती थी ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। आजकल विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने लगी है, उससे रोशनी तो अंदर आती है, अच्छी हवा भी आती है, पर साथ ही साथ टेम्परेचर भी हमारे रूम का बढ़ जाता है। अब हमें करना क्या है, अगर हमारी विंडो बन सकती है छोटी, अगर सिविल काम चल रहा है तो हम उसको थोड़ा सा मॉडरेट साइज का बनाएं, बट यदि ऑलरेडी बड़ी विंडो है तो हम उस पर ब्लैकआउट कर्टेंस काम में लेने सकते हैं ताकि वो रोशनी अंदर ना आए और रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। कलर भी कर्टेंस का थोड़ा इस तरह का रहे ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। साथ ही साथ विंडो के बाहर की तरफ भी हम सनशेड्स लगा सकते हैं, ग्रीन नेट से विंडो को कवर कर सकते हैं, उसके ग्लास पर सनशीट लगा सकते हैं ताकि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, हीट को रिफ्लेक्ट करे। तो इस तरह के विंडो ट्रीटमेंट भी हम काम में ले सकते हैं। विंडो डोर के चारों तरफ थोड़ा बहुत कई बार गैप छूट जाता है, वहाँ से भी अंदर की ठंडी हवा बाहर लीकेज हो जाती है और बाहर की गर्म हवा अंदर आने की संभावना रहती है। ऐसी जगह पर हम डोर के नीचे डोर सील और विंडो के चारों तरफ सीलिंग टेप काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल डेकोर की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बेडरूम के टेम्परेचर को कम मेंटेन रखना है तो वॉल पर हैवी डार्क कलर अवॉइड करिए। लाइट कलर, जैसे कि लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रे कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर, इस तरह के कलर आपको काम में लेने चाहिए। ये क्या होता है दोस्तों, लाइट को हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्युमुलेट नहीं करते हैं, ओवरऑल आपके रूम का टेम्परेचर कम महसूस होता है। वॉल डेकोर के लिए भी जो आप आइटम काम में ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल आइटम काम में नहीं लेने चाहिए, जैसे कि हैवी चारकोल हो गया, मिरर्स हो गए, ग्लासेस हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा प्लाईवुड की पैनलिंग हो गई, पूरी दीवार को आपने भर दिया, डिको पेंट करा दिया। इस तरह के हैवी फर्नीचर स्ट्रक्चर से हीट एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा। वॉल को फ्री रखना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ अपन पेंटिंग लगा सकते हैं या फिर नेचुरल चीज़ों से बनी हुई कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह की लाइट वॉल डेकोर से रूम के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं सीलिंग हाइट की। पहले के ज़माने में सीलिंग हाइट ज़्यादा रहती थी, इस कारण से गर्म हवा को ऊपर उठने का स्पेस मिल जाता था और वो ऊपर उठ के बाहर निकल जाया करती थी और फ्रेश एयर अंदर आ जाती थी। पर आजकल लो सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा चलन में है, सीलिंग में भी कई तरह की बहुत सारी डिज़ाइंस हो जाती है, इस कारण सीलिंग से भी हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई जने तो बेडरूम में भी पीवीसी पैनलिंग, पीवीसी सीलिंग करा लेते हैं, उससे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर आपको कूल बेडरूम बनाना है, लो टेम्परेचर बेडरूम बनाना है, तो सीलिंग को एक तो अपन को प्लेन बनाना है और कंपेरेटिवली थोड़ा हाइट पर बनाना है, लो सीलिंग आपको अवॉइड करनी है, और कलर जो सीलिंग का रखें वो भी प्लेन रखें, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टेप्स ना दें। तो इस तरह की कूल सीलिंग बनाकर आपके रूम के ओवरऑल टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। बेडरूम की लाइट से भी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अनावश्यक लाइटें हमें बेडरूम में काम में नहीं लेनी चाहिए। फोकस लाइट या टारगेट लाइट भी हम काम में ले सकते हैं ताकि जहाँ जरूरत हो वहीं पर तेज़ रोशनी की जाए। पूरे रूम को ज़्यादा रोशनी में रखने से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। आजकल सेंसर लाइट भी आ गई है ताकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की लाइट जल जाती है, बाकी बंद हो जाती है। तो पैसेज में, बाथरूम में इस तरह की सेंसर लाइट भी काम में ली जा सकती है। रूम में अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से भी हमें बचना चाहिए। कई लोग रूम में मिनी फ्रिज लगा देते हैं, मिनी बार लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक केटल लगा देते हैं, बड़े बड़े टीवी लगा देते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम काम में लेंगे उतना ही रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए मिनिमम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमें रूम में काम में लेने चाहिए। एग्जॉस्ट फैन का भी आप काम में ले सकते हैं। एग्जॉस्ट चाहे हम विंडो के पास में लगाएं, ऊपर की तरफ, या सीलिंग में लगाएं। एग्जॉस्ट केवल बुरी स्मेल को ही बाहर नहीं निकालता है, अंदर से गर्म हवा निकालकर फ्रेश एयर को भी अंदर पहुंचा देता है। एग्जॉस्ट लगाने से भी रूम के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। आजकल पेंट के अंदर भी
नेचुरल प्रोडक्ट से बने पेंट आ गए हैं। खादी इंडिया ने प्राकृतिक पेंट नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि गाय के गोबर से बना हुआ रहता है। इसमें ये न केवल एंटीबैक्टीरियल है बल्कि ओवरऑल रूम के टेम्परेचर को भी कंपैरेटिवली कम कर देता है। तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आप अपने रूम इंटीरियर में काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडोर प्लांट्स, कई तरह के इंडोर प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट और पीस लिली, अनेक तरह के इंडोर प्लांट्स हैं जो कि हम पूरे घर के अंदर इवन बेडरूम में भी हम काम में ले सकते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है जो कि आपकी न केवल एयर क्वालिटी सुधारेगा, ऑक्सीजन लेवल बनाते हैं और आपके रूम के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कम करते हैं। इंडोर प्लांट में खासियत क्या होती है दोस्तों, ये छाया में भी आसानी से चल जाते हैं और बहुत ही कम पानी की इन्हें आवश्यकता होती है, इस कारण आप इन्हें आसानी से अपने रूम के अंदर लगा सकते हैं। इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया जिसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे ऐड कर दिया है, और भी जानकारी आप उससे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस भीषण गर्मी से लड़ाई लड़ने के लिए और उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो इंटीरियर प्लानिंग हो, सिविल प्लानिंग हो या लेआउट प्लानिंग हो। हर जगह ट्रेडिशनल तरीके काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के आर्किटेक्ट कोई कमज़ोर थे, बहुत ही बड़े बड़े विशाल मंदिर उन्होंने बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, पर उन्होंने हर चीज़ में ये ध्यान रखा है कि हम नेचर से काफ़ी करीब रहें, चाहे वो हमारे फर्नीचर हो, फर्नीचर का डिज़ाइन हो, विंडो की पोजीशन हो, वेंटिलेशन हो, घर में बड़े बड़े आंगन हो, घर के अंदर कुएं हो, हर तरह से रूम टेम्परेचर को, घर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और हमें नेचर के करीब रखने के लिए इस तरह का आर्किटेक्ट उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब समय आ गया है कि हम भी उन ट्रेडिशनल तरीकों को स्टडी करके मॉडर्न वे में किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं उस पर हमारा ध्यान फोकस करें। हम और हमारी टीम भी इस तरह के ट्रेडिशनल नेचुरल तरीकों को मॉडर्न इंटीरियर प्लानिंग में किस तरह से अडॉप्ट किया जाए उस पर रेगुलर रिसर्च कर रही है, और आने वाले टाइम पे इस पर हम और भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आज का आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके दिमाग में भी कोई आइडिया हो जिसको हम अडॉप्ट कर सकें ताकि रूम को और ज़्यादा कूल बना सकें तो बताइएगा।